हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई मैं रेडी होके निकल रहा हूँ अभी। आज हमने जाना है पैरासीलिंग करने के लिए। देखते रहना, बने रहना। मैं भी ये पैरासीलिंग फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। उस दिन हमने जेट स्की की थी, शायद उसी जगह पे जाएंगे या किसी और बीच पे जाएंगे। बस तो बने रहना आप। चलो हम निकलते हैं। हम पहुंच गए थे यहाँ पे, लेकिन हम कर नहीं रहे पैरासीलिंग। क्यों? क्योंकि यार मैं जो गोप्रो था ना, वो लेके आना भूल गया। फोन को लेके इतनी हाइट पे जा नहीं सकता, फोन गिरने का खतरा है। समुद्र में गिर गया ना अगर तो मिलना मुश्किल है। गोप्रो की ना ग्रिप अच्छी है और वो हाथ में लटक जाता है। तो चलो कल आएंगे, बहुत बड़ी दिक्कत होगी यार। लेकिन चलो थोड़ा बीच वगैरह घूम लेते हैं यहाँ पे। ये है बीच। क्या यार, इतना अच्छे से प्लान बना गया, दिमाग से निकल गया गोप्रो लेके आना। अब जाएंगे, लेके आएंगे, टाइम लग जाएगा और सूरज भी चला जाएगा। 5:15 हो गए हैं, तो नहीं अभी यहीं पे रुकते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बीच, फिर निकलते हैं यहाँ से। एक दो जगह और जाएंगे फिर। पहले हमने आज यही सोचा था कि पैरासीलिंग करनी ही करनी है। पता नहीं यार क्यों आज दिमाग से वो ऊपर रह गया। चलो शायद इसमें भी कुछ अच्छा ही होगी। देखो यहाँ पे रनिंग का ट्रैक अलग से बना हुआ है चलने का, और ये सारा बीच है। वाओ यार, उस दिन हमने जेट स्की की थी, बहुत दूर तक ले गए थे हम। यार साइकिल ट्रैक इतने तगड़े बने हुए ना, यहाँ पे सिर्फ साइकिल चल सकती है। और वो जो मोटर वाली, वो जो होती है चलने वाली, पता नहीं नाम क्या है उसका, बढ़िया यार, अच्छा है। सारा का सारा साइकिल ट्रैक है। वाओ बीच पे मैं अभी आज ही आया हूँ ऐसे घूमने के लिए, टहलने के लिए। आज भी नहीं आना था, बनना नहीं था प्लान, वो कैंसिल हो गया क्योंकि मैं गोप्रो नहीं लेके आया, इसलिए बस घूम रहा हूँ बीच पे। अदरवाइज कोई प्लान आ रही है आवाज जेट स्की की। अब प्लान हो रहा है यहाँ पे स्विमिंग करने का। पीछे साफ है पानी, बढ़िया। मैंने कहा कर लेते हैं थोड़ी स्विमिंग, पानी भी रुक जाता है थोड़ा सा समुंदर के पानी में। कपड़े वैसे गाड़ी में होते ही हैं मेरे, लेके आऊँ एक्स्ट्रा में। चलो घुसते हैं पानी में। भाई तैयारी हो गई है नहाने की? आऊंगा मैं तो, आए थे कुछ और करने, जा रहे हैं कुछ और करने करके। अपना बैग नहीं है ये? चलो भाई घुसते हैं। जब यहाँ पे सारे नंग धड़ंग घूम रहे हैं, हम क्यों कपड़े पहने, काय की शर्म। चलो भाई मैं ये इसीलिए बोलता हूँ, इधर भी कर ले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज हमने करनी थी पैरासीलिंग, लेकिन भगवान कुछ और मंजूर था। भगवान कहते तो डुबकी मारना इसमें। और मैं पहले सोच रहा था होटल में करूँ स्विमिंग, मैंने कहा नहीं यार 4 फुट में क्या मजा आता है, लेकिन यहाँ मजा आता है। ये भाई डीप है, वहां तक जा सकते हैं, जबरदस्त है उधर व्यू, और वहां पे बुर्ज अल अरब है। चलो घुसते हैं भाई। अब जा रहा हूँ मैं, देखी जाएगी जो होगा। फोन भी अंदर ही लेके जा रहा हूँ, और मैं कुछ शॉर्ट्स ही लेके आया था, अच्छा हुआ मैं यही पहन गया था। अब फोन अंदर ही लेके जा रहा हूँ। चश्मे लेके आने जरूरी थे, बहुत नमकीन पानी है। चश्मे लेके आने जरूरी थे यार, चश्मे हमारे घर पे पड़े हैं। बस अब जा रहे हैं यहाँ से, आवाज तो आनी रही क्योंकि पानी घुस गया। आज क्या हो गया कोटा पूरा, अब लगने लगी ठंड दुबई में। अब निकलते हैं भाई यहाँ से, टाइम है ना, इधर का भी टाइम होता है। एक बीच में घूमने के बाद, स्विमिंग करने के बाद यहाँ से बॉटल मैंने शेक लिया। पिंक बीच, ये पिंक बीच है, इसके आगे काइट बीच है, पतंगे उड़ाते हैं वहाँ पर, बढ़िया। तो चलो चलते हैं अब आगे, बस 5 मिनट इधर बैठ के थोड़ा पी के फिर निकलते हैं यहाँ से। प्यास बहुत लग रही है यार, पानी का दिल नहीं कर रहा, इसी का दिल कर रहा है पीने का। लेकिन एक बार देख ली मैंने, जो गॉगल्स होती है ना इसकी, स्विमिंग वाली, चश्मे थे वो अपने साथ ही रखने चाहिए, वही गाड़ी में नहीं थे। होते ना मैं अंदर ही घुस जाता बिल्कुल, आँखों में नाक में नमक ही नमक लग रहा था। भाई आज तो कलोली बढ़ गई, पता है आज क्या हुआ? बस क्या बताऊँ यार, बुरा ही हो गया। ये पकड़ियो यार, आज एक्चुअली हुआ क्या, वहां पे हमने अच्छे से स्विमिंग की कि चल ठीक है गोप्रो नहीं है तो हम स्विमिंग कर लेते हैं। कपड़े तो हैं ही हमारे पास,
स्विमिंग कर लेते, क्या दिक्कत है, हम कल कर लेंगे वो जो पैरासीलिंग है। तो हम अच्छे से नहा धो के खा पी के गाड़ी में जाते चेंज करने के लिए, जब देखा बैग भी नहीं है, जो कपड़े हमने लेके आए थे वो भी बैग नहीं है यार। तो ऐसी हालत में आए, मिट्टी से भरे पड़े पैर, और भाई गिले हो गया रे, बहुत बुरा हालत है भाई, बहुत बुरा हालत है। खोल के रखे हो यार, चलो धन्यवाद, बहुत ही बुरा हाल है यार। चलो अब आया, अब चेंज करके, और भूख भी बहुत लग रही है, अब निकलते हैं। उसको बंद कर, लोग देखेंगे हमें। तो भाई ठीक है, अभी खाने पीने के लिए चलते हैं, बहुत भूख लग रही है। मैं हो गया हूँ नहा धो के रेडी, मतलब निकलते हैं खाने के लिए कुछ, उसके बाद आके यार एडिटिंग भी करनी है, बने रहना वीडियो में मेरे साथ। और यार पता, आज का दिन तो हौच पोच ही हो गया, जल्दबाजी में ना, जल्दबाजी क्या यार, कपड़े लेके चले जाते सब कुछ ईजी हो जाता। अब मैं सोच रहा हूँ अब गाड़ी में सब कुछ रखा करूँगा, दिक्कत बहुत हो जाती है, बस पता नहीं लगता कब। अभी थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है दुबई में कि हाँ ये भी चीज़ें हैं दुबई में। लेकिन एक चीज़ यार मैंने देख ली, गाड़ी में ना एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा होने चाहिए। अब मैं रख लूँगा क्रीम गाड़ी में, और एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा, और एक टॉवल, ये रखूँगा क्योंकि पता नहीं कहाँ हम गाड़ी रोक देते हैं और कब क्या प्लान बन जाता, कुछ नहीं समझ आता। आती थी आते हैं फिर जाते हैं यहाँ से। तो भाई आ गया अतिथि, आज बहुत शांति है, खाली पड़ा है। हम उस दिन आ गए थे इसकी ओपनिंग वाले दिन भाई, बस एक रोटी आनी मुश्किल होती थी हमारे तक। चलो आज शांति से खाएंगे आराम से। कैसे भैया? सारा कुछ विदाउट एनी गार्लिक, काफ़ी चीज़ें जैन है अब, क्योंकि बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं हर रेस्टोरेंट में जैन, बट यहाँ पे अब नवरात्रि स्टार्ट हो गया ना, तो भाई सब कुछ ही मिल रहा है जैन। ये मेथी मलाई मटर, दाल, बिरयानी और रोटी, पाव भाजी भी भाई विदाउट एनी गार्लिक है। बस ये अच्छा है कि होटल पास में ही है, साथ में ही है। तो दूध लेने के लिए रुके थे यहाँ पे सुपरमार्केट में, तो इसके साथ फोटो खिंचवा। और भाई क्या ताबड़तोड़ फोटो आई है, मतलब जो चीज़ें सूट होती है ना उस पर तो बहुत अच्छी फोटो आती है भाई। ये दूध सबसे बेकार, ऐसे कैसे रखा हुआ है, पिया नहीं हमने, हम अमूल ही लेते हैं भाई। यही सामान लिया अभी, बाकी आते जाते ले जाया करेंगे, बस और कोई ज़रूरत नहीं है अभी सामान। सामान लेके हम निकल रहे हैं यहाँ से। वैसे ये मैंने एंट्रेंस से बना दिया, एग्जिट हम पीछे से किया था, मैंने कहा कि यार यहीं से बना लेते हैं, वहाँ लाइटिंग नहीं अच्छी थी। तो चलो चलते हैं होटल में, आज का दिन बढ़िया रहा, आपने भी इंजॉय किया ना बीच पे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना यार मेरे चैनल को, थोड़ी तो मोटिवेशन मिलती है यार मेरे को बहुत ज़्यादा, एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार, हाँ, क्योंकि अभी टाइम ऐसा है, होना चाहिए। तो ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।